हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ लीजा। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आप प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रहे हो तो ऐसी कौन सी चीजें आपको ध्यान पे रखना चाहिए जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी जल्दी हो जाए और आपका जो थ्रू आउट प्रेगनेंसी का जर्नी है वो बहुत ही इजी एंड हेल्दी रहे। तो ये जो वीडियो है मेरी खुद की एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है। मैंने 9 साल मुझे पीसीओडी का प्रॉब्लम था, थायराइड का प्रॉब्लम था, फिर मैंने 2 साल ट्रीटमेंट करवाया, उसके बाद जाके मैंने नेचुरली कंसीव की। और इस वीडियो में मैं मेरे खुद की एक्सपीरियंस के बेसिस पे 6 ऐसे टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो कि एकदम मैजिकल है। वो अगर आप प्रेगनेंसी प्लानिंग के 3 महीने पहले से ही अगर आप फॉलो करते हो तो आपकी प्रेगनेंसी की 90% चांसेस बढ़ जाता है। 6 स्टेप्स में से नंबर 5 और 6 जो स्टेप है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि ज्यादातर महिलाओं को नहीं पता है। मैं खुद के एक्सपीरियंस से वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी, कोई भी स्टेप मिस मत करके वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो ज्यादा लेट ना करके चलिए वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। टिप्स नंबर 1, मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब हमारे प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव आते हैं तब भी हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन अगर आप मेरी एडवाइस लेते हो तो मैं यही कहूंगी, प्री कॉन्सेप्शन चेकअप बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कोई कोई महिलाओं का ऐसा होता है कि उन लोगों को बहुत ज़्यादा प्लानिंग की ज़रूरत नहीं होता है, ऑलरेडी वो लोग प्रेग्नेंट हो जाते हैं। लेकिन अभी के ज़माने में मोस्टली केसेस में अगर देखा जाए तो 80% महिलाओं का प्रॉब्लम होता है, जो लोग खुद से 6 महीने तक 1 साल तक कोशिश करते हैं फिर भी प्रेग्नेंट नहीं हो पाते हैं, तब जाके वो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। तो मेरी मानिए, अगर आप प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रहे हो तो आपका पहला काम है आप एक अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, अच्छे गायनोलॉजिस्ट के पास जाइए। वहाँ पे जाके आपको कुछ कुछ टेस्ट पहले ही करना है। फर्स्ट है आपकी थायराइड टेस्ट, T3, T4, TSH की जांच करवाइए। सिंपल सा ब्लड टेस्ट है, उससे आपको पता चल जाएगा आपका जो थायराइड का लेवल है वो सही है या नहीं। क्योंकि अगर आप प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रहे हो तो फिर वो टाइम पे आपका थायराइड का जो लेवल है वो 2-3 मिली इंटरनेशनल यूनिट होना चाहिए, इससे कम भी नहीं, इससे ज़्यादा भी नहीं। तो फिर आपकी कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकता है, इन फ्यूचर आपके बच्चे में प्रॉब्लम हो सकता है, और थ्रू आउट जो आपका प्रेगनेंसी जर्नी है उसमें मिसकैरेजेस के भी चांसेस है। नंबर 2, आपको जांच करवाना है आपकी PCOD का प्रॉब्लम है या नहीं, जो कि आज के ज़माने में बहुत ही कॉमन सा एक प्रॉब्लम है। हमारे सेडेंडरी लाइफस्टाइल, हमारी फूड हैबिट, सब कुछ के वजह से ये एक बहुत ही कॉमन सा प्रॉब्लम है। इसके अलावा भी रूबेला वैक्सीन और चिकन पॉक्स का वैक्सीन आपको दिया गया है या नहीं, वो भी आप एक बार चेक कर लीजिए। क्योंकि मेरे जान पहचानने में मैंने एक महिला को देखा है जिसको थोड़ा प्रेगनेंसी उनको रूबेला हुआ था, तो उसको बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। तो ये तीनों जाँच आप ज़रूर करवाइए प्री कॉन्सेप्शन चेकअप के साथ। टिप्स नंबर 2, अगर थायराइड है आपका, आपकी T3, T4, TSH रिपोर्ट में अगर दिखा जा रहा है कि आपको थायराइड है, तो फिर आपको एक अच्छे थायराइड के डॉक्टर के पास जाना चाहिए, इंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। मेरे केस में मुझे जैसे शुरू से ही पता था कि मुझे थायराइड है, तो लगभग 6-7 साल तक मेरा तभी थायराइड का ट्रीटमेंट चल रहा था, मेरे शादी के पहले। तो अगर आपकी थायराइड आया है रिपोर्ट में, उसमें डरने जैसी कोई बात नहीं है, स्ट्रेस मत लीजिए, डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर आपको एग्जामिन करके बता देंगे आपको हाइपोथायराइड है या फिर हाइपरथायराइड है, उस हिसाब से डॉक्टर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। मेडिसिन का जो डोज है वो मेडिसिन आपको एवरीडे लेना है, खाली पेट। मेडिसिन लेने के 1 घंटे पहले 1 घंटे बाद आपको कुछ भी नहीं खाना पीना है, इवन पानी तक नहीं आपको पीना है। मैं खुद की एक्सपीरियंस से आप लोग को कह रही हूँ, 1 भी दिन अगर मेडिसिन मिस हो जाता है ना, उसमें थायराइड का जो लेवल है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, तो उसमें आपको कंसीव करने में दिक्कत हो सकता है। ये तो हो गया थायराइड। अभी बात करते हैं PCOD के बारे में। अगर आपको PCOD है उसमें भी आपको स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सिंपल सा एक लाइफस्टाइल डिजीज है, इसके लिए आपको कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं खुद 9 साल से PCOD के प्रॉब्लम पे गुजर चुकी हूँ, और सबसे बड़ी बात है कि मुझे पता भी नहीं था दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम PCOD। मुझे डिप्रेशन का प्रॉब्लम था, फेस पे पिंपल्स था, मेरे बाल झड़ने का प्रॉब्लम था, ओबेसिटी का प्रॉब्लम था, बहुत सारा प्रॉब्लम था, मेरा पीरियड्स
क्लियर नहीं आता था, महीनों भर, तीन चार महीनों भर मेरा पीरियड्स नहीं आता था, तब भी मुझे पता नहीं था दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम पीसीओडी। तो पीसीओडी अगर आपको है तो पहले आपको जो काम करना है, आपको बीएमआई आपका कैलकुलेट करना है, उसके लिए आपको कोई भी थ्योरी, कोई मैथमेटिक्स ये सब की जरूरत नहीं है। मैं सिंपल सा आपको बता देती हूँ, आपको आपके स्मार्टफोन लेना है, गूगल पे जाना है, वहां पे आपको कैलकुलेट करना है बीएमआई कैलकुलेटर बोल के, वहां पे आपके सामने बीएमआई कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा, वहां पे सिर्फ आपको आपके हाइट और आपके वेट डालना है। सपोज अगर आपके हाइट है 5 फीट, मैं बता देती हूँ 1 फीट मतलब होता है 30.48 सेंटीमीटर, तो अभी आप कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 5 फीट मतलब लगभग 154 सेंटीमीटर, वेट डाल रही हूँ 60 केजी, मैं अप्रोक्सीमेटली एग्जाम्पल आपको दिखा रही हूँ, मेल या फीमेल आप डाल दीजिए और इजीली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बीएमआई निकल के ऑलरेडी आ गया है और ऊपर लिखा भी हुआ है कि आप ओवर वेट हो। तो ऐसे करके आप अपने बीएमआई कैलकुलेट कर लीजिए। और एक बात का आप हमेशा ध्यान पे रखिए, चाहे तो ये चार्ट आप मेमोराइज कर लीजिए या तो फिर आप सेव कर लीजिए, बीएमआई अगर आपकी 18.5 से बिलो है दैट मीन्स यू आर अंडर वेट, 18.5 से लेके 24.9 तक अगर है दैट मीन्स यू आर हेल्दी, आपका जो वेट है वो एकदम प्रॉपर है, 25 के ऊपर अगर है 30 तक है तो फिर आप ओवरवेट के कैटेगरी में आ रहे हो, एंड अबव 30 अगर आपके बीएमआई है दैट मीन्स यू आर ओबेस। तो उस हिसाब से आप एक बार कैलकुलेट कर लीजिए, वो टाइम पे मेरा ओवरवेट आता था कि वो टाइम पे मेरा वेट बहुत ही ज्यादा था, तो उस हिसाब से आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए। अब मैं बात करती हूँ नंबर 3, पीसीओडी अगर है तो उसको कैसे क्योर किया जाए, उसका सिर्फ एक या दो ही सोल्यूशन है। फर्स्ट सोल्यूशन है आपको आपकी फूड हैबिट चेंज करना है। इन शॉर्ट मैं बस आपको बता देती हूँ आपको क्या क्या करना है, बहुत ज्यादा कुछ हाई फाई मैं ये वो सो आपको नहीं बताऊंगी, सिंपल सा एक टेक्निक बताऊंगी। आप अपने खाने में कार्बोहाइड्रेट कम कीजिए, जैसे कि राइस कम खाइए, शुगर कम खाइए, खाने में कैफीन इंटेक आप कम कीजिए, कॉफी पीने की हैबिट है एक ही बार पीजिए, मैं तो जैसे वो टाइम पे कॉफी पीती ही नहीं थी, मैं टोटली बंद कर दिया था। अल्कोहल का अगर हैबिट है आपको या तो फिर स्मोकिंग करते हो आप, पैसिव स्मोकिंग एक्टिव स्मोकिंग दोनों ही आप कम्प्लीटली बंद कर दीजिए। इसके अलावा भी आप खाने में वेजिटेबल्स खाइए या तो फिर फ्रूट्स लीजिए, एक प्रॉपर डाइट चार्ट बनाइए। आप चाहते हो तो मेरे चैनल पे मैंने प्रीवियस बहुत सारे वीडियो में मैंने ऐसे पीसीओडी रिलेटेड डाइट चार्ट बनाया है, तो वो आप फॉलो कीजिए। सुबह के टाइम पे जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट कर लीजिए, नाइट के टाइम पे आप 8 बजे के अंदर अंदर खाना कंप्लीट कीजिए, रात को सोने जाइए 10 बजे के अंदर अंदर, वो रात को सोते हम लोग जैसे मोबाइल स्क्रॉल करते रहते हैं वो सब आप एकदम टोटली आप बंद कर दीजिए। टिप्स नंबर 4, बात करते हैं हम एक्सरसाइज की। देखिए एक्सरसाइज की अगर बात करते हैं तो पहले ही मैं बताऊंगी ब्रिस्क वॉक के बारे में। ब्रिस्क वॉक सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज होता है उन लोगों के लिए जिन लोगों को जिम जाना या तो फिर योगा सेंटर जाना उतना ज्यादा पसंद नहीं है। वो टाइम पे मेरी भी हैबिट नहीं थी, ऊपर से वेट बहुत ज्यादा था, तो सबसे ज्यादा मैजिक की तरह काम करता है ब्रिस्क वॉक। सुबह के टाइम पे 8 घंटे, नाइट के टाइम पे डिनर कंप्लीट होने के बाद आधा घंटा, बहुत ज्यादा नहीं, अब ब्रिस्क वॉक कीजिए। ऐसे अगर आप कंटिन्यू 3 to 4 month करते हो ना तो फिर आपकी वेट लूज बहुत इजीली हो जाएगा। मैंने भी किया था, मैं खुद की एक्सपीरियंस आपको कर रही हूँ। बहुत ज्यादा हाई फाई हार्ड वर्क वो टाइम पे करना भी नहीं चाहिए, जिम पे जाना, वो कुछ डंबल वगैरह लेना ये सब आप मत कीजिए। कुछ कुछ घरेलू एक्सरसाइज वगैरह होता है जिससे आपकी सेंट्रल ओबेसिटी कम होता है, उसके ऊपर भी बहुत सारा वीडियो है, मैंने खुद भी बहुत सारे वीडियो मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, वो सब आप चेक कर लीजिए। तो ये सब कुछ घरेलू एक्सरसाइज, दिन में आधे घंटे आप इसके पीछे थोड़ा सा समय निकाल के आप एक्सरसाइज कीजिए, ये भी आपकी पीसीओडी को क्योर करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। टिप्स नंबर 5, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे महिलाओं को इसके बारे में नहीं पता है, तो फिर ध्यान से सुनिए। जब भी आप बेबी प्लानिंग कर रहे हो फॉलिक एसिड लेना मत भूलना। फॉलिक एसिड 5 मिलीग्राम का फॉल वाइट या तो फिर बहुत सारे ऐसे मेडिसिन है, आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर आपको जरूर प्रेस्क्राइब करेंगे। 3 महीने एटलीस्ट बेबी प्लानिंग की 3 महीने पहले से आपको फॉलिक एसिड लेना है,
एवरीडे आपको फॉलिक एसिड खाना है, फॉलिक एसिड बच्चे का जो बर्थ डिफेक्ट है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, बच्चे का स्पाइन डेवलपमेंट, बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है ये फॉलिक एसिड। इवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी फॉलिक एसिड डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, तो फिर फॉलिक एसिड लेना मत भूलना। इसके अलावा अगर आपको कोई बीमारी है या तो फिर कोई मेडिसिन आप लेते हो, आपको माइग्रेन का इशू है या तो फिर आपका बीपी वगैरह हाई है, कुछ भी जो आपके एवरीडे का हैबिट है वो विदाउट डॉक्टर एडवाइस आप वो टाइम पे मत लीजिए, क्योंकि बहुत सारा मेडिसिन ऐसा होता है जब भी आप बेबी प्लानिंग कर रहे होते हो वो सब मेडिसिन आपको नहीं लेना होता है। तो बेटर यही होगा अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हो तो वो मेडिसिन आप डॉक्टर के पास जाके आप पहले एडवाइस ले लीजिए कि वो मेडिसिन कंटिन्यू मैं कर सकती हूँ कि नहीं, उसके बाद ही आप कोई भी मेडिसिन लीजिए। नंबर 6, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है। देखिए जब भी हम लोग बेबी प्लानिंग कर रहे होते हैं तो मोस्टली हम लोग इंटरकोर्स को लेके बहुत ज़्यादा हमारे मन में ये चलता है कि ऐसे कौन से डे पे हम लोग इंटरकोर्स करें, सेक्स करें ताकि हम प्रेग्नेंट हो जाए। मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, ओव्यूलेशन ट्रैक करते रहते हैं, ये डेट पे मेरा ओव्यूलेशन है, ओव्यूलेशन किट या तो फिर फॉलिकुलर स्टडी जैसे मुझे डॉक्टर ने वो टाइम पे प्रिस्क्राइब किया था, इसीलिए मैंने फॉलिकुलर स्टडी किया था। नॉर्मली अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप खुद से ट्राई कर रहे हो, तो मेरी मानिए मैं आपको यही कहूँगी एवरी ऑल्टरनेट डे पे आप इंटरकोर्स कीजिए। उसके लिए कोई भी ओव्यूलेशन डे ट्रैक करने की आपको ज़रूरत नहीं है। एवरी ऑल्टरनेट डे आप प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रहे हो तो एवरी ऑल्टरनेट डे पे आप इंटरकोर्स कीजिए, उसको आप इंजॉय कीजिए। दैट मीन्स मतलब ऐसा मत सोचिए कि हाँ मुझे प्रेग्नेंट होना है तो फिर यही डेट पे मुझे करना है। ऐसे करके अगर आप करते हो तो उससे स्ट्रेस बढ़ता है। मेरे टाइम पे भी वैसा ही हुआ था, ये ओव्यूलेशन का डेट है यही टाइम पे करना है, तो मतलब इससे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चलते हैं अंदर। ऐसा मत कीजिए, मेरी मानिए तो ये मोस्टली डॉक्टर भी यही कहते हैं कि आप इसको थोड़ा लाइटली लीजिए, आप इंजॉय कीजिए, एक दिन छोड़ छोड़ के एवरी ऑल्टरनेट डे पे आपको वो टाइम पे सेक्स करना है। वो अगर आप कंटिन्यू करते हो तो आपका ऑटोमेटिकली जो ओव्यूलेशन का डेट जो टाइम है वो कवर अप हो जाता है। मेरे हिसाब से ये ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि अगर आप वो इंजॉय कर रहे हो और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आप अपने माइंड पे नहीं ले रहे हो तो फिर वो ज़्यादा कम करते हैं, वो ज़्यादा फ्रूटफुल होता है। तो मेरी मानिए ओव्यूलेशन ट्रैक पैक करना आप छोड़ दीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्टर आपको ओव्यूलेशन स्टडी वगैरह अगर एडवाइस नहीं कर रहा है तो फिर आप वो सब टेंशन अपने दिमाग से हटा दीजिए और ये बात को एंजॉय कीजिए। तो फ्रेंड्स ये तो था मेरा 6 टिप्स जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, वही मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। एंड आई होप अगर आप प्रेगनेंसी प्लानिंग के 3-4 महीने पहले से ये 6 टिप्स अच्छे से फॉलो करते हो तो फिर आपको जो भी प्रॉब्लम है, अगर आपको थायराइड है, अगर आपको PCOD है, तो सब कुछ क्योर हो जाएगा और आप इजीली एक हेल्दी प्रेगनेंसी कैरी कर सकते हो। तो आई होप मेरा आज का ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा है। हेल्पफुल लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना, आगे जाके मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को ऐसे ही मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और एक इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।